गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ तक कि हमारे इंडिया की टाटा कंपनी, इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो ये कोई भी प्रोडक्ट निकाले तो इनका प्रोडक्ट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इनकी मार्केट में ऐसी क्या इमेज बनी हुई है कि इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी तेज है? तो ये चीज़ होती है रेपुटेशन, क्योंकि रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो फकीर को भी अमीर बना सकती है। अगर जो उसकी रेपुटेशन अच्छी हुई तो सारे उसकी क्रेडिटवर्थीनेस पर बिलीव करेंगे और उसे पैसा इजीली दे देंगे, जिसकी वजह से रेपुटेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ नंबर 5 और 48 पावर ऑफ लॉज को डिकोड करने वाला हूं, क्योंकि आपके भाई ने एक ऐसी सीरीज चला रखी है जिसमें 48 लॉज ऑफ पावर आपका भाई धीरे धीरे डिकोड कर रहा है। इसमें 48 ऐसे लॉज हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, और आपके भाई का ये काम है कि एक एक लॉ डिकोड कर आप तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपके भाई का कर्तव्य है और आपका भी मेरे प्रति एक फर्ज बनता है। आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मुझे ऐसी और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस बुक का लॉ नंबर 5 हमें क्या कहता है? सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। क्या मतलब कि रेपुटेशन आपकी लाइफ से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जो पैसा बार बार कमा सकता है पर वो रेपुटेशन बार बार नहीं कमा सकता। पैसा एक बार ही चला जाए तो वो मेहनत कर दोबारा पैसा कमा लेगा, पर एक बंदे की इज्जत या रेपुटेशन चली जाए तो वो पूरे जीवन घुट घुट कर मर जाता है, फिर उसकी कोई भी कदर नहीं करता, चाहे आपके घर वाले हो चाहे कोई भी हो। आपने कई बार अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब आप फ्री बैठे हो या आप कुछ नहीं करते हो और आप फैमिली वालों को कोई डिमांड करते हो, तो आपका फैमिली वाले आपकी डिमांड नहीं मांगते, और अगर जो आप कोई काम कर रहे हो मतलब कि पढ़ाई कर रहे हो, तब आपके घर वाले आपकी एक एक बात मानेंगे, क्योंकि उससे आपकी रेपुटेशन बूस्ट होगी। तो इसका मतलब हमें रेपुटेशन को हमेशा अपनी लाइफ से भी ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि एक रेपुटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस दुनिया में स्टैंड करवाने के लिए एक अलग नज़रिया दे सकती है। क्योंकि जिस बंदे की रेपुटेशन नहीं होती उसकी कोई बात भी नहीं सुनता, और जिसकी कोई बात नहीं सुनता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इस दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं है वो तो सब आपको पता है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, ये दुनिया की सच्चाई है। जिस बंदे की वैल्यू नहीं होती उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती। तो इसलिए हमें अपनी रेपुटेशन को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। सोच लीजिए कि आप ऐसे, आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है, जो मर्जी चाहे आकर आपकी रेपुटेशन आपके पैरों के नीचे दबा सकता है, जिसकी वजह से जब आप बड़े होंगे आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपकी पेरेंट्स आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो आपका क्या इस जीवन में आना सफल होगा? आपको मौत से पहले ही मौत का डर लग जाएगा कि इससे बढ़िया तो मेरी मौत है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, इसकी वजह से मैं मरना प्रेफर करूंगा इसकी वजह से। तो इज्जत को हमेशा अपने से ऊपर रखिए, क्योंकि जिस बंदे की इज्जत चली जाती है ना उसका कोई इस दुनिया में नहीं होता। तो चलिए अब इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी इज्जत मतलब कि रेपुटेशन को ऊपर रख सकते हैं। पहला, आपको अपने अंदर एक पैशन जगाना है कि आपने कोई गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए ऐसा पैशनेट बन जाओ कि बस आपसे ज़्यादा पागल आदमी उस गोल के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको ही वो गोल मिलना चाहिए। क्योंकि जब घर वालों को आपका पैशन या जोश उस काम के प्रति दिखता है तो घर वालों को भी एक बिलीव हो जाता है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ तो कर ही देगा और हमारा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल देगा। और इससे आपकी रेपुटेशन भी घर में इंक्रीज होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में काम नहीं करता उसको कोई नहीं पूछता। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आपको करना क्या है? आपको दूसरों की पीठ पीछे बीचिंग करना छोड़ देना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब कि गंदे होते हैं, उनके पास खुद तो कुछ नहीं होता, वो दूसरों की बुराई करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम वो अपनी ग्रोथ में लगा सकते थे, पर वो दूसरों की बुराई करना उनको ज़्यादा मैटर करा, जिसकी वजह से वो अपना टाइम और दिमाग दोनों ख़राब कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहिए, और इससे आप अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हो। और तीसरी, हमें हर एक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर एक की रेपुटेशन को इक्वली समझना चाहिए, क्योंकि जितनी रेपुटेशन हमारी है उतनी ही उसके लिए उसकी रेपुटेशन मैटर करती है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर जो आप किसी सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो भी आपको सामने वाला अच्छे से ट्रीट करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा हर एक को इक्वल रेपुटेशन देनी चाहिए, और जो आपको उससे ट्रीट चाहिए वैसी रेपुटेशन उसे दीजिए। तो इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलता है कि रेपुटेशन हमारी लाइफ से कम नहीं है। ऑक्सीजन और रेपुटेशन एक दो ऐसी चीज है जो ह्यूमन को जीने में और सिर उठाकर जीने में मदद करती है, तो हमें हमेशा अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रखना चाहिए। तो गाइस, आपके भाई ने इस वीडियो में लॉ नंबर 5 को इजीली आपके सामने लाकर डिकोड कर दिया है। अगर जो इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो
आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपका भाई आपके जीवन को बेटर बनाने के लिए डेली एक सीढ़ी आगे बढ़ रहा है। तो गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, मिलते हैं लो नंबर 6 की वीडियो के साथ। धन्यवाद।